नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका जीएस पाठशाला में। प्लीज़ गाइज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। गाइज हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सिक्स का चैप्टर सेवन का क्वेश्चन आंसर है। हमारा चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार, जिसमें कि पहला हमारा क्वेश्चन है बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में एक स्तूप का निर्माण किस जगह किया गया था। यहाँ पे बाय मिस्टेक किया कि जगह या गया था, अब समझ सकते हैं किस जगह किया गया था। तो इसका आंसर है हमारा सारनाथ। नेक्स्ट है हमारा पाणिनि ने किस भाषा पर व्याकरण ग्रंथ लिखा, तो पाणिनि ने संस्कृत भाषा पर व्याकरण ग्रंथ लिखा था। ये एकमात्र ऐसा व्याकरण ग्रंथ है जिसमें एक भी अपवाद नहीं है। बाकी आप जिस भी लैंग्वेज के व्याकरण ग्रंथ को पढ़ें उसमें आपको अपवाद मिल जाते हैं, लेकिन इसमें एक भी एक्सेप्शंस नहीं है, अपवाद नहीं है। तीसरा हमारा जैन धर्म को मुख्यतः किसने अपनाया, तो जैन धर्म को मुख्यतः व्यापारियों ने अपनाया था, क्योंकि उसमें अहिंसा पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया था, तो सैनिकों के लिए तो असंभव था, कृषकों के लिए भी मुश्किल था क्योंकि खेती करने में बहुत सारे कीटों को मारना पड़ता है। श्रमिकों ने भी नहीं अपनाया था, मेनली व्यापारियों ने इन्हें अपनाया था। चौथा हमारा आश्रम व्यवस्था के अनुसार निम्न में से कौन अपने सही क्रम में है, तो इसका आंसर होगा स्त्री यानी पर ब्रह्मचार्य आश्रम जिसमें व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, फिर गृहस्थ आश्रम जिसमें पारिवारिक जीवन व्यतीत किया जाता है, वानप्रस्थ आश्रम, इन सबों के बाद इंसान वन में चल जाता है, गृह त्याग कर देता है, और उसके बाद फिर संन्यास आश्रम जब इंसान पूरी तरीके से हर चीज़ को त्याग कर संन्यास धारण कर लेता है। पाँचवा हमारा बुद्ध ने अपनी शिक्षाएँ किस भाषा में दी थी, तो बुद्ध ने अपनी शिक्षाएँ प्राकृत भाषा में दी थी क्योंकि प्राकृत उस वक्त की लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाकी हमारा ऑनलाइन एड्रेस, गाइज प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें फर्दर की नोटिफिकेशन ताकि मिलते रहे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें ताकि आपको आगे भी की और भी वीडियो मिलते रहे। चूँकि ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर सीरीज है, तो इसमें हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। बाकी इस चैप्टर के डिटेल्स के लिए आप इसके पहले की फर्दर लेसन्स को देख सकते हैं, जिसमें आपको इस चैप्टर का समरी मिलेगा। आप YouTube पे इसे बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।